उत्तर नागपुरातील इंदोरा येथे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालय व अनुसंधान केंद्राचे श्रीनिवर्धन करून 615 रुग्णक्षमतेच्या अतिविशेषोपचार रुग्णालयाला मंजुरी देण्यात आली आहे. परंतु विद्यमान सरकार ही संस्था उत्तर नागपुरातून इतरत्र पळवण्याचा कट रचत आहे. तातडीने संस्थेचे बांधकाम सुरू न केल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा डॉक्टर आंबेडकर रुग्णालय बचाव कृती समितीकडून देण्यात आला आहे. टिळक पत्रकार भवनात झालेल्या पत्रकार परिषदेत समितीतर्फे वेद प्रकाश आर्य, दिनेश अंडसहारे, वामन सोनकुवर उपस्थित होते. समितीने स्पष्ट केले की हे रुग्णालय शासन वर्धा रोडवर हलवण्याचे षडयंत्र रचत आहे. परंतु या निर्णयाविरुद्ध उत्तर नागपुरातील सर्वपक्षीय कार्यकर्ता एकवटले आहेत. उत्तर नागपुरातील कन्व्हेन्शन सेंटरच्या उद्घाटनप्रसंगी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लवकरच काम सुरू करण्याचे आश्वासन दिले, परंतु त्यानंतर काहीच झाले नाही. येत्या हिवाळी अधिवेशनात डॉक्टर आंबेडकर रुग्णालयासंदर्भात सकारात्मक भूमिका न घेतल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही समितीने दिला. सभी पत्रकारों को नमस्कार. आज हम जिलाधिकारी से उत्तर नागपुर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हॉस्पिटल और अनुसंधान केंद्र बचाव समिति की ओर से माननीय जिलाधिकारी से आज हम मिले. हमने उनके माध्यम से मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को यह ज्ञात दिलाया कि आदरणीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस ने 14 अप्रैल को जब बाबा साहब आम्बेडकर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन था, उस समय उन्होंने वादा किया था कि यह जो उत्तर नागपुर में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनने जा रहा है, वे उसका शीघ्र ही उद्घाटन करेंगे और उसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू करेंगे. परंतु आज 8 महीने हो गए हैं, उसके बावजूद भी अभी तक उसका न टेंडर हुआ है न कोई प्रक्रिया हुई है. कुछ अधिकारियों से जानकारी मिली है कि उन्होंने अधिकारियों के ऊपर दबाव डाल के ऐसा बोला है, गो स्लो, ये प्रोजेक्ट को धीरे चलने दो. बात ऐसी है कि यह जो मानसिकता है उप मुख्यमंत्री जी की, यह कहीं तो हमें लगता है कि उसमें बदबू आ रही है. एक शासन का मुझे जीआर है, पत्र है, उसमें इन्होंने इस प्रोजेक्ट को मिहान में ट्रांसफर करने का उन्होंने ऐसा आदेश दिया है.